हे गूगल, आज का वेदर बताओ। There'll be thunderstorms there today, with a forecast high of 31 and a low of 23. Right now it's 30 degrees and partly cloudy. Alexa, आज का वेदर बताओ। अभी सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर खिली धूप के साथ तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 22 डिग्री के साथ गरज सहित बौछारें पड़ने और कुछ बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोगों का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट स्पीकर्स के बारे में। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो है आपका एलेक्सा डॉट और गूगल नेस्ट। इन दोनों का मैं कंपेरिज़न बताऊँगा और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं जितना भी यूज़ मैंने किया है इसमें कौन सा अच्छा मेरे को लगा, कौन सा बेहतर, मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा। और साथ ही अपने एनालिसिस के बेस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है और इन दोनों का की फीचर क्या क्या है, जिसके कारण के हम इन दोनों में से कोई भी एक चुन सके जो हम लोगों के ज़रूरत के अनुसार हो। क्योंकि हम लोग एक ऐसा स्मार्ट स्पीकर ज़रूर चाहते हैं जो कि हम लोगों के वॉइस कमांड पर चले, और ये उसके लिए परफेक्ट है। ये दोनों ही आपके वॉइस कमांड पर चलेगा, जिसके सहारे आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, और साथ ही आप अपने स्मार्ट अप्लाइंसेस और स्मार्ट लाइट को भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और आप अगर इस तरह के स्मार्ट स्पीकर लेना चाहते हैं तब उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा, आपके ज़रूरत के अनुसार गूगल नेस्ट या फिर आपका एलेक्सा डॉट। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे का जो रेड बटन है उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और नीचे जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा वीडियो जो भी पहले आए आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। हे गूगल, tell me about yourself. I am your Google assistant. I can look up answers for you or help you with find the quickest way home. If you need anything just ask. Your wish is my command. Alexa, tell me about yourself. Hey there. Glad you stopped by. I'm your virtual assistant, your cloud-based AI. I can help you with a thing or two. Anytime you're game. Get organized or be surprised. Just say my name. I've got timers, reminders, alarms, lists, Bluetooth calls and messages, jokes, songs, stories, games, weather, search and Easter eggs. Get the news, hear some tunes, ask for the score, wait, there's more. Link me to your calendar. I won't leave you astray. I'll help you through the day. I can sing a rhyme. Alexa, गूगल होम के बारे में बताओ। मुझे इंग्लिश विकिपीडिया पर ये मिला है, गूगल नेस्ट प्रीवियसली नेम्ड गूगल होम इज अ लाइन ऑफ स्मार्ट स्पीकर्स डेवलप्ड बाय गूगल अंडर द गूगल नेस्ट ब्रांड। द डिवाइसेस इनेबल यूजर्स टू स्पीक वॉइस कमांड्स टू इंटरैक्ट विद सर्विसेज थ्रू गूगल असिस्टेंट, द कंपनीज वर्चुअल असिस्टेंट। Both in-house and third-party services are integrated, allowing users to listen to music, control playback of videos or photos, or receive news updates entirely by voice. Hey Google, tell me about Alexa. According to Wikipedia, Amazon Alexa, also known simply as Alexa, is a virtual assistant AI technology developed by Amazon, first used in the Amazon Echo Smart Speaker and the Amazon Dot, Amazon Studio and Amazon Tap speakers developed by Amazon Lab 126. अब आइए दोनों का की फीचर्स देखते हैं, क्या क्या अंतर है और क्या क्या चीज इसमें एडवांटेज है। ये Alexa Dot, इसमें देखिए ये आपका चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा 3.5 mm जैक का आपका ऑडियो आउटपुट के लिए, इससे ताकि आप कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर आप चला सकें। इससे आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं, इससे आप म्यूट और स्टॉप कर सकते हैं।
और ये गूगल नेस्ट। इसमें सिर्फ आपको चार्जिंग पिन मिलेगा जिसके थ्रू आप पावर पॉइंट के थ्रू चला सकते हैं, और ये आपका माइक ऑफ़ करने का। इसको ऑफ़ करने के बाद ये आपका वॉइस कमांड नहीं लेगा, ताकि कोई ये चाइल्ड लॉक की तरह है कि कोई इसको यूज़ ना कर सके। ये पीछे आपका वॉल पे हैंग करने के लिए इसमें है, और एलेक्सा पे देखिए इस तरह का कुछ भी नहीं है। इन दोनों में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इन दोनों से ही हम लोग एक्सटर्नल कोई भी ब्लूटूथ के थ्रू स्पीकर चला सकते हैं। जबकि एलेक्सा में हम लोग का एडवांटेज ये है कि हम लोग इसमें भाया केबल भी आप ऑक्स के थ्रू आप चला सकते हैं इसमें एक्सटर्नल कोई भी स्पीकर या बड़ा बॉक्स। अब आइए इन दोनों को पावर ऑन करके देखते हैं। एलेक्सा में मैंने ये पाया है कि हर बार ये आपका वाईफाई से कनेक्ट फौरन हो जाता है, जबकि गूगल को थोड़ी परेशानी होती है। Hey Google. Hang on while I get connected to Wi-Fi. Alexa, play new songs. Playing Hindi music from Jio Saavn. Google Nest में आपका वॉइस रिस्पॉन्स आर्टिफिशियल लगेगा, जबकि वहीं दूसरी तरफ Alexa Dot में वॉइस रिस्पॉन्स आपको नेचुरल लगेगा। Alexa, stop. Hey Google, play new songs. Okay, check out this music station on YouTube Music. Hey Google, stop. Hey Google, play Guru Randhawa hit songs. Sure, check out this Guru Randhawa station on YouTube Music. अरे Google भाई, बादशाह भैया का गाना नहीं, मुझको Guru Randhawa का गाना चाहिए। Hey Google, play Guru Randhawa hit songs. लगता है Google जी नाराज हो गए। Something went wrong. Try again in a few seconds. चलिए Alexa भैया जिंदाबाद। Alexa, play Guru Randhawa hit songs. Playing songs by Guru Randhawa from Jio Saavn. Hey Google, tell me about Taj Mahal. According to Wikipedia, the Taj Mahal, originally the Rozarai Munavvara, is an ivory-white marble mausoleum on the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife, Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan himself. Alexa, tell me about Taj Mahal. Here's the Wikipedia article on Taj Mahal. The Taj Mahal, originally the Rozarai Munavvara, is an ivory-white marble mausoleum on the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra.
It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife, Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan himself. The tomb is the centerpiece of a 17-hectare complex, which includes a mosque and a guest house, and is set in formal gardens bounded on three sides by a crenellated wall. Hey Google, who is the PM of India? जैसा कि हम देख रहे हैं, Google का response time थोड़ा slow है. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Alexa, who is the PM of India? The current Prime Minister of India is Narendra Modi. Hey Google, पृथ्वी से चांद की दूरी बताओ. तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर. अलेक्सा, पृथ्वी से चांद की दूरी बताओ. आज चांद की पृथ्वी से दूरी 4.618 लाख किलोमीटर है. गूगल नेस्ट गूगल से रिलेटेड सारे सर्विस को बखूबी बहुत अच्छी तरह से ये उसको एक्सेस करता है और उसकी सटीक जानकारी देता है. जबकि मैंने एलेक्सा को देखा, वो उतनी सटीक जानकारी आपको ना ही गूगल मैप का दे सकता है, ना ही दूसरा चीज़ों का. गाना के लिए अगर आप सुनना चाहें, आपको अगर सिर्फ गाने के लिए चाहिए, तब आपके लिए एलेक्सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स भी अच्छा देता है. कुछ चीज़ों को आपने भी गौर किया होगा, जब मैं सिर्फ गाने की बात करता हूँ तब गूगल नेस्ट उतनी अच्छी तरीके से गाना को नहीं प्ले कर पाता है, और तो और ये ज़्यादातर वेस्टर्न सॉन्ग को ही यहाँ पे प्ले करता है. एलेक्सा, सिलीगुड़ी से दिल्ली की दूरी बताओ. सॉरी, जो आप खोज रहे हैं वो मुझे नहीं मिली. हे गूगल, सिलीगुड़ी से दिल्ली की दूरी बताओ. It's 1,439 kilometers to get to Delhi from Siliguri by car. Hey Google, Durga Puja के बारे में बताओ. Hey Google, tell me about Durga Puja. According to Wikipedia, Durga Puja, also called Durgotsava, is an annual Hindu festival originating in the Indian subcontinent which reveres and pays homage to the Hindu goddess, Durga. Alexa, Durga Puja ke bare mein batao. Wikipedia ke anusar, Durga Puja, jise Durgotsav athwa Shardotsav Dakshin Asia mein manaya jane wala ek varshik Hindu parv hai jisme Hindu Devi Durga ki puja ki jati hai. इसमें छह दिनों को महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है. दुर्गा पूजा को मनाए जाने की तिथियां पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार आता है तथा इस पर्व से संबंधित पखवाड़े को देवी पक्ष, देवी पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है. Hey Google, चुटकुला सुनाओ. Sorry, I don't understand. अलेक्सा, चुटकुला सुना. एक खराब बैटरी वाले फोन ने रिपेयर करने वाले से क्या कहा? चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं. हे गूगल, टेल मी अ जोक. व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग सिटी इन द वर्ल्ड? Electricity. Alexa, tell me a joke. Why did the toilet paper cross the road? Because it was on a roll. वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो का लंबा नहीं करना चाहता. लेकिन मुझको ये इतना ज़रूर मैं ऐसा करता हूँ कि जितना मैंने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोग ये ज़रूर जज कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, एलेक्सा चाहिए या फिर आपको गूगल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें. आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.